बागडोगरा गांव से पुलिस ने चार डकैत को 3 सुतली बम, देसी कट्टा बम बनाने की सामग्री और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। एसपी ने दी जानकारी। बलरामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बागडोगरा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चार डकैत को बम बनाने वाली सामग्री के साथ गिरफ्तार किया है। शुक्रवार को समाहरणालय में एसपी विकास कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी का डकैती से संबंध था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बागडोगरा गांव के बहियार में एक दर्जन अपराध कर्मियों का जमा बड़ा है, जो हथियार तथा बम से लैस है तथा डकैती की घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना के आलोक में बारसोई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रेमनाथ राम के नेतृत्व में एक टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाई गई। छापेमारी में 4 डकैतों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी बच्चे डकैत भागने में सफल रहे। पकड़े गए अपराध कर्मियों के पास 3 जिंदा सुतली बम बनाने वाली सामग्री, 1 देसी कट्ठा, 2 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया है। पकड़े गए डकैतों में मोहम्मद कौसर, शरीफ रजा मुस्तकीम और मेराज आलम शामिल हैं, जो बंगाल, पूर्णिया और कटिहार जिला का निवासी है। पकड़े गए सभी आरोपी को कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। 5 अगस्त को तेलता ओपी प्रभारी और बलरामपुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना रात्रि में मिली कि कुछ अपराध कर्मियों द्वारा बागडोगरा गांव के बांसवाड़ी में जमा होकर बम बनाया जा रहा है और वो आग्नेयास्त्र वगैरह से लैस हैं, जो डकैती की घटना कर सकते हैं। तत्पश्चात अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बारसोई के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बलरामपुर, थानाध्यक्ष तेलता एवं थानाध्यक्ष सुधानी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से बांसवाड़ी में छापेमारी की गई, जिस क्रम में भागते हुए 4 डकैत को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3 जिंदा बम बनाने, देसी सुतली बम बनाने का सामग्री, जैसे सुतली, छर्रा इत्यादि, 1 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया गया। इनके द्वारा पूर्व में भी लगभग 2 माह पूर्व रौतारा में, तेलता थाना अंतर्गत रौतारा में एक डकैती की घटना की गई थी, जिस कांड में इनकी तलाश थी और जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका आपराधिक इतिहास है। पूर्व के डकैती कांडों में भी वे आरोप पत्रित रहे। पश्चिम बंगाल से भी कनेक्शन है? हाँ, इसमें कुछ अपराधी पश्चिम बंगाल के हैं, दालकोला थाना क्षेत्र के, और कुछ पूर्णिया के और कुछ कटिहार के। क्या क्या मिला है इनके पास से? 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 3 जिंदा बम।